वर्णाश्रमादि धर्मे न पापादि मले न च स्पर्श न भवति इति स्पर्श है ना। इसीलिए मैं उस समय भगवान भाष्यकार की विवेक चूड़ामणि का श्लोक को उद्धृत किया था, जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश कालाति देश काल विषयाति वर्जितम ब्रह्म तत्तमसि भाव आत्मनि। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, अपने आप पढ़ा यही स्पर्श जो का जो है मतलब परिभाषा है कि बस किसी के साथ कोई संबंध है तो आत्मा सर्वत्र असंग है। और यही चीज़ को बृहदारण्यक उपनिषद में जो है जो भी ब्राह्मण में आठ बार असंग वही अयम पुरुष अय असंग वही अयम पुरुष अनन्वागत पुण्यनानन्वागत पापेन असंग वही तीर्ण तथा सर्वस्व शोक भगवती बृहदारण्यक उपनिषद समस्त शोक से पार होकर ये हो गया स्पर्श योग। स्पर्श योग वहाँ पे बृहदारण्यक शब्दों तो प्रयोग नहीं किया परंतु स्पर्श योग की लिंग वहाँ पे बता दिया और उसके आप एक मांडव के कार्य का एक नाम दे दिया कि ये स्पर्श योग है, ठीक है ना। मतलब स्पर्श योग मतलब आत्मा के स्वरूप, आत्मा जो मतलब किसी के साथ युग तो नहीं हुआ। और इसका फल क्या हुआ, यदि आप इसको समझ में आ जाते हैं तब क्या होगा कि बाहरी कोई वस्तु में वहाँ क्या है वो बुद्धि चला जाएगा, वो क्या है ये बुद्धि में चला जाएगा, कुछ ग्रहण नहीं होगा। ये हो जाएगा तब निर्विकल्प समाधि, मतलब मन अमन हो जाएगा, कोई विकल्प नहीं उठेगा, निश्चय हो गया एकमात्र ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं है, थोड़ा तो कोई विकल्प नहीं करेगा। ये स्पर्श योग का फल हो गया, ये वेदांतिक सिद्धांत कौन सा उत्तम अधिकारी के लिए ये प्रोसेस है, ये निर्विकल्प समाधि। यदि आपके कर्म में विचार इतना तीव्र नहीं है अथवा निश्चय नहीं कर पा रहे तब ठीक है, मन निग्रह आहत आयत मन को निग्रह करना शुरू, मन को निग्रह करना। योग दर्शन में भी निर्विकल्प समाधि बोलते हैं, वेदांत में भी निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। वेदांतिक निर्विकल्प समाधि स्पर्श योग के माध्यम से और वहाँ पे चित्त वृत्ति निरोध के माध्यम से भिन्नता क्या हो गया, चित्त वहाँ पे चित्त मन प्राणायाम के माध्यम से अथवा ईश्वर परिधान से हो चित्त वृत्ति को निरोध करके निर्विकल्प समाधि में पहुँचता है। यहाँ पे मनन पूर्वक विचार पूर्वक निर्विकल्प समाधि में पहुँचता है, ठीक है ना। इसीलिए उस समाधि से जो उत्थान है उस समाधि से उत्थान क्यों है, अपने इंद्रियों मन बुद्धि को अंतर्मुख करके उसको बंद करके समाधि से होकर उसको समझा किंतु रद्द से बंद जागृत हो गया तो उत्थान होगा। परंतु वेदांतिक के माध्यम से आपने इंद्रियां खोल करके इंद्रियां मन बुद्धि सब की खोल करके विचार शुद्धि के माध्यम से आपने निश्चय किया कि बाहरी वस्तु है, बाहरी वस्तु सत्य तो नहीं है, प्रतीति हो रहा है कोई बात नहीं। जिस प्रकार मरुभूमि में दिखाई दे रहा है बालू में जो जल की प्रतीति होते हैं, प्रतीति दुष्टा दिन भी होगा दुष्टा दिन भी होगा परंतु हम उसके पीछे नहीं जाएंगे तो मुझे पता है कौन से पानी है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मतलब स्पर्श योग इट्स अ प्रोसेस एंड निर्विकल्प समाधि इज द रिजल्ट। योग दर्शन में सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में पहुँचते हैं, वहाँ भी क्या बोला देखो, वहाँ भी क्या बोला, विकल्प विचार आनंद अस्मिता अनुरूप अनुभव स्वविकल्प मतलब स्थूल वस्तु के ऊपर अवलंबन करके सूक्ष्म वस्तु का अवलंबन करके फिर मन को एक जगह पर स्थिर होने पर उसका आनंद को ऊपर एकाग्र करके फिर उस आनंद को समझने वाला उसको ऊपर अस्मिता उसके ऊपर मन एकाग्र करके धीरे धीरे आप स्वविकल्प समाधि से। अब फिर क्या हो गया कि वो जो केवल अस्मिता मात्र रह जाता है परंतु विषय रूप में नहीं रहता, अपने अस्तित्व को अनुभव करते रहते। पंत क्या होता है कि ये इस प्रकार से ये निर्विकल्प समाधि में भी पहुँचेंगे, वहाँ पे कोई पंत जितना समय तक समाधि में रहेगा उतना समय तक और उस समय में उनका प्रकृति पुरुष का विवेक होकर उनका प्रकृति सत्य है। इसीलिए मन शरीर इंद्र बुद्धि सब सत्य है और वेदांतिक दृष्टि क्या है, ये सब मिथ्या है, ये प्रतीति है कभी काम का नहीं। इस प्रकार से योग दर्शन की समाधि में आप जो है यहाँ पे उत्तम अधिकारी के लिए स्पर्श योग में नाम इसके बारे में कथन करने के बाद जो इसको नहीं कर मतलब उनके लिए क्या बोले थे, मनुष्य निग्रह आयत्तम है ना, कुछ मन मन की अधीन होकर मन के लिए अपनी मनुष्य निग्रह आयत्तम अवयव सर्वयोगी अन्य अन्य योगियों को क्या होता है वो भी मन निग्रह करके इस अवय पद को प्राप्त कर सकते हैं है। परंतु स्पर्श योग में तो योगी न विभ्यति अस्मत अभय भय दर्शन, क्योंकि वहाँ पे क्या डर लगता है, मेरा व्यक्तित्व खो जाएगा मेरा अस्तित्व खो जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा हमारा अस्तित्व को हम अपने शरीर की इंद्रियों मन बुद्धि के साथ ही आज तक मान्यता दिया, आज तक हमारे अपने अस्तित्व को मान्यता नहीं भी दिया कि मैं स्वामी सर्वानंद हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं वेदांत हूँ, ये हमेशा अपने अस्तित्व को मैं उपाधि के साथ मान्यता नहीं करती। और शास्त्रीय पे आके बोलते सारा उपाधि भी तैसा, अब लगेगा क्या मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा, मेरा व्यक्तित्व ही खो जाएगा, इस डर के मारे इस स्पर्श योग में स्पर्श नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रवेश नहीं कर पाते हैं।
और परंतु स्कूल में प्रवेश कर पाता है तो दुख को क्षय प्रबोध और अक्षय शांति ये बटे दिस रिजल्ट। अब क्या इसके बाद बोलते हैं, परंतु जो मन निग्रह आयत्त करके हम बोला जा रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसके लिए आपको बहुत अध्यावश्यक चाहिए। दृढ़ निश्चय उत्सेक उदीर जतवत कुशाग्रण एक बिंदुना, उषा की एक बिंदु के द्वारा एक समुद्र को सुखाने के लिए जितना दृढ़ निश्चय और अध्यावश्यक चाहिए उतना दृढ़ निश्चय अध्यावश्यक के साथ मन को निग्रह करना पड़ता है ना। इसीलिए आपको बोलते हैं एक बिंदुना मनुष्य निग्रह तत्पत भवे। देखिए समुद्र को खाली करना कभी संभव नहीं है किंतु मन के निग्रह करना संभव है। वैसे अपरिखेद तो उतना अध्यावश्यक है ना, जो उद्यम उत्साह अध्यावश्यक, ये तीन हमारे परम मित्र है साधन जीवन में, उद्यम उत्साह और अध्यावश्यक। उद्यम चाहिए मैं इस काम को करूँगा, उत्साह चाहिए इसको करने के लिए, बस टोटल कमिटमेंट होता है, और अध्यावश्यक बार 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 उसमें लगे रहे इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब जो है मन निग्रह के लिए बोलता है उपाय है, उपाय निग्रहणीयात् है ना। वहाँ पे देखिए जबरदस्ती नहीं है, वहाँ पे जैसे प्राणायाम को उपाय बताया गया है, किसमें योग दर्शन में प्राणायाम को उपाय बताया गया और वैकल्पिक रूप में क्या रखा था ईश्वर परिधान अथवा ठीक है। और भगवद गीता में पहले तो ईश्वर परिधान से शुरू किया, षष्ठ अध्याय में जाके प्राणायाम आदि बोलते हैं। पहले कर्मयोग के माध्यम से ईश्वर परिधान ईश्वर समर्पण षष्ठ अध्याय में आकर के फिर प्राणायाम आदि बोलते हैं। यहाँ पे हमारे योगी यहाँ पे मान लो कार्यकार बोलता है उपाय देखो यहाँ पे कि हमें आपको एक अद्भुत उपाय बताऊँ मन निग्रह के लिए निश्चय करेंगे। उपाय न निगृणियात विक्षिप्तम काम भोग शुभ प्रश्न ने श्लोक को पढ़ लिया था कल नहीं पढ़ वहाँ से शुरू होगा ना ठीक है। तो 42 से आप देखिए यहाँ पे 42 के लिए उपाध्याय है आनंद गिरि जी ने 189 समाधि पूर्वत तत्व साक्षात्कार प्रतिबंध का लय विक्षेप कषाय सुख रागा तेभ्यो मनस वक्षमान उपाय निग्रहम कुर्यात्। समाधि के अभ्यास करने वाले व्यक्ति का समाधि पूर्व समाधि का मतलब मन निग्रह करने का अभ्यास करे, जैसे दो नंबर टिप्पणी में बोलता मन निग्रह अक्षम समाधि, मन को निग्रह करने मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करे ठीक है। उसको तत्व वही जो है क्योंकि आप जानते हैं मन जब तक मतलब विषय से विमुख नहीं होगा तब तक तत्व साक्षात्कार होना नहीं है, है ना। विषय विमुख नहीं हो तो तत्व साक्षात्कार नहीं हो सकता, इसलिए तत्व साक्षात्कार प्रतिबंध का। इस प्रकार तत्व साक्षात्कार करने में भी प्रतिबंध क्या बैठा हुआ है, मन सो जाता है। अभी तक मन को हमने ऐसे ही ट्रेंड कर रखा, मैं बत्ती बुझाओ और चुप बैठो तुमको सो जाना है, फंक्शन नहीं करना, इसीलिए मन अभी अभ्यस्त ही हो गया कि सोना सो जाने लय पहले पीछे ठीक है। आपने बोला नहीं नहीं अभी तुमको नहीं सुना है तो फिर पहला पुरानी अभ्यास कर विषय को भागने लगेगा विक्षेप से, और फिर जो है आपने उधर से भी रोक दिया सोने भी नहीं दिया अध्ययन भी जाने नहीं दिया तो बोलता ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा मैं अपना अभिष्ट वस्तु भी नहीं सोचूंगा सकाशय है। और फिर ठीक है सकाशय होने बाद मन थोड़ा सा जो है मन एकाग्र हो रहा है एक आनंद मिल रहा है समान को एक होने उसको बोलता है कि समाधि का सुख वहाँ पर प्रति आसक्ति हो जाता है हो जाता है तब तो वो इसके लिए प्रतिबंधक बन जाता है लय विक्षेप कषाय सुख राग ठीक है ना। सुख मतलब समाधि के सुख विषय विकल्प समाधि आदि का समाधि होता है उसका सुख को लय विक्षेप कषाय सुख राग ठीक है ना। ये क्या है प्रतिबंधक तत्व साक्षात्कार प्रतिबंधक लय विक्षेप कषाय सुख राग ठीक है ना। इससे तेभ्य इन सभी से पंचमी वो वचन इन सभी से मनुष्य पक्ष मन इन सभी से मन को आगे कहे जाने वाले उपाय के द्वारा निग्रहण को या निग्रह करना चाहिए रोकने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी विषय पे रोकने के बाद ये चार समस्या आगे और आने वाले तत्व साक्षात से पहले मन को विषय से उठा लिया और मन के एकाग्र करने का प्रयास कर उस समय ये चार समस्या और आने वाले हैं। इसके लिए अब जो उपाय से इसको जो है हमको उसको निग्रह करना चाहिए अन्यथा समाधि साफल्य अनुपत्ति मन मन क्या कहकर स्थिर हो जाएगा पर समाधि से जो तत्व साक्षात्कार हो जाएगा पुरुष संबंधी जो बोध अगर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ना योग दर्शन में मतलब ये किया मतलब बिल्कुल वार्निंग जैसा भव प्रत्यय विदह प्रकृति लयानाम आपने जो है ये प्रकृति के ऊपर संघर्ष करके मन धारणा छोड़ने करके शरीर भाषु शरीर प्रकृति शरीर भाषु ऊपर उठ गया परंतु भव प्रत्यय
दोबारा पैदा होने के लिए वृत्ति बना रहेगा। आपने मतलब सुषुप्ति काल में लंबा समय तक पड़े रहेंगे सुषुप्ति जैसा, परंतु जगते फिर दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। विधि हो प्रकृति लय ना, विधि लय हो चाहे प्रकृति लय हो, इसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है जब तक न पुरुष का विवेक होता है। ये सब चीज़ें ये जो लय मतलब समाधि सुख ना, ये वहाँ पर जाके ले जाता है और उसी को समाधि सुख क्या करता है, वो विधि हो प्रकृति लय में ले जाता है। परंतु क्या होता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने इसको जब वार्निंग दिया मैंने महर्षि पतंजलि ने, इसलिए तेज्य मनुष्य भक्षमान उपाय न निग्रहम को, या वहाँ से मन को आगे कहे जाने उपाय के द्वारा निग्रह करना चाहिए। नहीं तो समाधि आप समाधि क्यों लगा रहे हैं, समाधि के लिए समाधि नहीं है, तब तो साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार के लिए समाधि है। आप वहाँ से वंचित रह जाए, समाधि सुख तो मिल जाए, आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, पुरुष का भी पिक नहीं हो पाएगा। अब देखिए आगे श्लोक, उपायेन निद्रणीयात् विक्षिप्तं काम भोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा उपाय निग्रहणीयात् विक्षिप्तं काम भोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा। उपाय निग्रहणीयात् टेक्निक है अपने आप बताएंगे, है ना, वो टेक्निक है अपने आप बताएंगे। उपाय के द्वारा मेथड के द्वारा निग्रह करना चाहिए, निग्रहणीयात् विक्षिप्तम और काम भोगय मनस, विक्षिप्त मन को, है ना, विक्षिप्तम मतलब मन का भीषण इंटरटेनमेंट, और काम भोगय काम मतलब हो गया भोग्य वस्तु की चिंता, और भोग गया भोग्य वस्तु की प्राप्ति करने पर भोग। इन दोनों अवस्था में जो मन की स्थिति है, इन दोनों तीन अवस्था हो गए, विक्षिप्त अवस्था, एक भोग्य वस्तु की चिंता और एक भोग करते समय मन की चिंता, ये तीनों अवस्था से मन को रोकना चाहिए। उपाय ना जी यहाँ से मन को उठाना चाहिए, विक्षिप्त काम भोग है ना, अथवा काम और भोग के निमित्त जो विक्षिप्त होता है मन, उसका उस भूख से मन को, काम और भोग के बिना भी दुश्चिंता कुछ रह जाता है मन, उससे मन विक्षिप्त हो जाता है। हो सकता है हमारे उससे कुछ प्राप्ति नहीं है, परंतु कहेंगे ऐसा आसक्ति है तो समुद्र चिंता मन में घुस जाता है, कुछ हो भी नहीं पाता, पर उसको चिंता में लगा जाता, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे, ऐसा भी होता है। इसलिए विक्षिप्त को प्रत्यक्षा मन से काम भोग हो, काम और भोग में लिप्त जो मन है विक्षिप्त मन, काम भोग काम और भोग में विक्षिप्त हुआ जो मन, उस मन को उपाय के द्वारा निग्रहित करना चाहिए। ठीक है भाई, विक्षिप्त मन को तो आपने उपाय से निग्रहित किया, मन थोड़ा शांत हो, अच्छा हुआ, परंतु जैसे ही शांत होगा तब सोने लग जाएगा। सुप्रसन्नम लय चैव, जब आपको अच्छा लगता है कि मन तो अभी विक्षिप्त नहीं कर रहा, इधर उधर उछाल कूद नहीं रहा है, उस समय आप एक अच्छा लग रहा है आपको, विषय रूप में एक आनंद का अनुभूति हो रहा है, अथवा लय हो गया मन जो है वह हो रहा है समझ नहीं पा रहा, इससे भी उसको जगाना चाहिए, है ना, उसको भी निग्रह करना चाहिए, सोने नहीं देना चाहिए मन को। क्यों, जैसा काम हमारा तत्व साक्षात्कार के लिए, भोग वस्तु की चिंता हमारा तत्व साक्षात्कार के लिए विरोधी है, उसी प्रकार लय भी तत्व साक्षात्कार में विरोधी है। यथा कामो लयस्तथा, जिस प्रकार जो है भोग वस्तु की चिंता वो हमारी मतलब तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, ठीक इसी प्रकार लय मतलब आप लय प्राप्त किया जो मन जो फंक्शन नहीं कर रहा है जो मन, वो फाइन भी जो है तत्व साक्षात्कार के लिए प्रतिबंधक है। इसलिए वेदांत के लिए ये अंतकरण का ही फंक्शन सबसे बड़ा, किसी भी साधन में अंत मुख्य रूप से मन को लेकर ही साधन होता है, मुख्य रूप से मन को लेकर ही साधन होता है, शरीर को लेकर इतना नहीं है। इसीलिए आप बोलते हैं कि शुभ प्रसन्न लय चैव यथा काम लय स्थान, यहाँ एक नंबर टिप्पणी पढ़ लिया था, तो काम भोग चिंतमान भुज्यमान अवस्थापन्न विषयेषु कर दिया था इसको, है ना, चिंतन भोग वस्तु की चिंता न भोग वस्तु की भोग अवस्था को प्राप्त किया हुआ जो मन, उस मन को उपाय के द्वारा निग्रह करना चाहिए। उसमें मन की पांच स्थिति बताए योग दर्शन में, है ना,
वित्तय पंचतरय दृष्टाभिष्ट ऐसा करके मानसिक बताओ क्या है प्रमाण विकल्प विपर्य स्मृति और एक है निद्रा। प्रमाण लोग तीन मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण विकल्प शब्द ज्ञान अनुपति वस्तु शून्य विकल्प मिथ्य ज्ञान अतद रूप प्रतिष्ठा विपर्य मतलब भिन्न रूप का अतस्मिन तद बुद्धि विपर्य जिसका हम लोग अध्यास बोलते हैं। और फिर जो स्मृति अनुभूति विषय असंप्रमोश स्मृति और एक निद्रा अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति निद्रा। निद्रा को लय के संकल्प कल्पना किया निद्रा में लय शब्द को करना पड़ेगा बाकी यहाँ पे विषय मैं तया वृत्तिया परिणतम मन वृत्ति रूप में परिणत हुआ जो मन उपाय न भक्षमान आगे बोला जा रहा है जो उपाय उसके तरह वैराग्य न अभ्यास न च वैराग्य कैसे आएगा क्या अभ्यास करेंगे इसके तरह मैं दुनिया उसको निरुद्ध्या आत्मनिव अपने में मन को रोकना चाहिए इति अर्थ यथा लीयते अस्मिन् स्थानद्वयम् इति लय तथा उसी प्रकार से लीयते अस्मिन् स्थानद्वयम् दोनों स्थान जागृत स्वप्न दोनों कहाँ लय प्राप्त करते हैं सुषुप्ति में इसलिए बोलते हैं लीयते अस्मिन् स्थानद्वयम् इति लय सुषुप्तम् तस्मिन् सुप्रसन्नम् आयास वर्जित वहाँ पे कहते हैं बस प्रसन्न रूप में जाना कोई प्रयास नहीं है आयास नहीं है इस प्रकार के उससे वर्जित होता है। इस प्रकार मन को भी निग्रह करना चाहिए इस प्रकार मन को भी निग्रह करना चाहिए। देखिए मतलब माइंड को हमेशा सजग रखना चाहिए और माइंड को सजग रखने के लिए आपको बुद्धि होगी उसका नाम है मनुष्य मन का अनुशासन करने वाला है बुद्धि के द्वारा मन के ऊपर स्वमनस्कता के साथ साधन किसान कठोर परिषद में बोला गया जस्तु विज्ञानवान भवती स्वमनस्क सदा सुचि स्वधन पारमात्मा पिता विष्णु परम कठोर परिषद ने स्वमनस्कता के साधन सबसे अच्छा साधन बताया कि आपके मन के ऊपर आप दृष्टि रखिए मन क्या क्या करते उसको सोने मान लो ठीक है ना। वस्तु विज्ञानवान भवति स्वमनस्क सदा सुचि जो इस प्रकार विज्ञानवान सारथी जिसका होता है ना वो हमेशा अपने मन को स्वमनस्क अपने मन को मतलब वो लगाम को कस के पकड़ के रखा वहाँ पे तो मन को लगाम बोला बुद्धि को सारथी बोला इंद्रियों को घोड़ा बोला विषय को मार्ग बोला आत्मा रथी है और शरीर रथ है छह वस्तु हमें बोला गया उसमें विज्ञान सारथी जिस रथी का सारथी बहुत विज्ञानवान है समझता है यह करता है कस के अपने लगाम को मन रूपी लगाम को कस के पकड़ के रखते हैं तो इंद्रिया रूपी घोड़ा अपने मन को चीधर उधर नहीं जा पाते है ना। ये होगा स्वमनस्कता के साधन है ना जस्तु विज्ञानवान भगवती स्वमनस्क यही है सुचिता बाहर नहाने से सुचिता नहीं बोला उपनिषद में ये शब्द शुद्धता ये है यदि आप अपने मन के ऊपर दृष्टि रखते हैं मन को प्रतिष्ठित रखिए मन अचानक ऐसा व्यक्ति क्यों आए मतलब इस वृत्ति इस प्रकार कोई वृत्ति उठा ना ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है तुरंत बुद्धि को लोग उसको हटाना मन को वहाँ से विड्रो करना मन को विशेष विड्रो करने की कैपेसिटी अब थोड़ा प्रेस करने से पता लगेगा अचानक कोई आया कोई भी व्यक्ति उससे निकाल नहीं पाते मन बस आपको उस समय क्या करना चाहिए जैसे आपको लगा कि कोई प्रतिकूल वृत्ति मन में उठा उस समय आपको सबसे जो प्रिय वस्तु उसको पकड़ लीजिए मन से जो आपको सबसे प्रिय लगता है मतलब साधन की दृष्टि से और फिर प्रतिकूल मनोवृत्ति तुरंत वहाँ पर मन को होना और जोर जोर से उसको जो है ये करते रहें तो अब धीरे धीरे उठते हैं तो वहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि उपाय के द्वारा और निग्रह होता है। यहाँ पे बोलते हैं किसान यथा काम प्रकाश सुप्रसन्न चेत की मिति निग्रह यदि वो सुप्रसन्न है तो उसका निग्रह क्यों करें तब बोलते हैं जैसे काम आपके लिए तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक है उसी प्रकार लय में गया हुआ मन भी तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक है तत्व सुषुप्ति में ज्ञान हो जाता तब तो ऐसा नहीं होता उपयोग करके पहले जैसे व्यवहार करते हैं यथा काम विषय गोचर प्रमाणादि वृत्त उत्पादन का काम क्या करते हैं आपने सामने विषय आया है उसमें प्रमाणादि वृत्ति का उत्पादन करके क्या करते हैं उसमें समाधि का विरोधी हो जाता है मन को स्थिर होने नहीं देता तथा लय हो तो उस प्रकार लय यदि लय का निद्रा का वृत्ति उत्पादन लय क्या करता है निद्रानुम वृत्ति को उत्पन्न करता है और फिर कहते हैं अर्थात विरोधी मतलब समाधि का विरोधी हो जाता है सर्व वृत्ति विरोध समाधि ये वृत्ति का विरोध हो जाना ही हमारे यहाँ के समाधि शब्द द्वारा कहा जाता है। अतो कामाधिकृत विक्षेपाथिव श्रमाधिकृत लयादपि मनोनिरोधव्यम एवं इति अर्थ इसलिए इस प्रकार काम काम भोग की इच्छा के फलस्वरूप जैसे मन में विक्षेप होता है उसी प्रकार अधिक श्रम अधिक भोजन ये सब जो है ना हमारे लिए लय मन को लय की तरह ले जाते हैं है ना मन इससे मन को रोकना चाहिए इति अर्थ।
परिमित रूप से नियमित आहार, कल भी मैंने बताया था, योग दर्शन स्वयं अपने आप बोलते हैं, भगवान गीता ने बोला युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःख। युक्त आहार, युक्त आहार मतलब शुद्ध आहार, परिमित आहार, विहार घूमने मना नहीं कर रहे, पर इतना समय तक थोड़ा सा शरीर को समय लगने के विहार घूमना, युक्त आहार, युक्त चेष्टा, युक्त चेष्टा से कर्म शुद्ध, किसी भी कर्म के लिए मैं कितना प्रयास करूँगा, शारीरिक कर्म कितना मेहनत करके काम कर सकते हैं उसको भी उतना ही, जिससे कि शरीर थक ना जाए, तो थक जाएंगे तो समझ साधन करने बैठेंगे नींद आ जाएंगे, तो आहार विहार और अन्य कर्म की प्रसन्न, और युक्त स्वप्न भगवत्य निद्रा भी उतना ही रखिएगा कि जितने से शरीर ये हो जाता है, मतलब बस इसका आगे और निद्रा नहीं, अपने आप ही कुछ दिन अभ्यास करने से इसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जन्मांतर संस्कार को अलग अभ्यास बना रखा है, और निद्रा को हम कंट्रोल करने के लिए एक चीज ये है कि अन्य शरीर बिस्तर में परम है, जिस समय बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो साधन कर रहे हैं और बैठा नहीं जा रहा, निद्रा आ रहा है, छू छू, जैसे निद्रा खुल गई आपको, जैसे खुल गया फिर वो ब्लेट रह करके अरे देखता हूँ वो नहीं करना, उठ तुरंत उठ करके फिर जो भी अपना काम में थोड़ा शरीर को खोले फिर जो है आप साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, निद्रा के ऊपर कंट्रोल आ जाता, आहार विहार, आहार में संयम, भ्रमण में संयम, कर्म में संयम, निद्रा में संयम, वाक संयम, दृष्टि संयम, ये सब चीज़ जो है हमारी इंद्रिय संयम, इससे क्या होता है कि हमारा धीरे 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 मन पूरा काबू में आता है, उससे हमारा ब्रह्मचर्य भी लक्ष्य होता है, इससे हमारा ब्रह्म शरीर अपना आप पुष्ट रहेगा, ये पतला है मोटा है उससे पुष्टि निर्भर नहीं करता, शारीरिक सामर्थ्य पुष्टि, तो आप साधन करने के लिए राज्य भी फैल जाएगा आपके पास। अच्छा अरे आगे और बोलते हैं टीका का प्रागुक्ता उपायात एवं टीका राष्ट्र है ना राज्यता प्रागुक्ता प्रागुक्ता उपायात एवं मनोनिग्रह परिग्रह श्रवणादि विधि अनर्थक कमिति मनवान संकट। अब जो एक शंका करने वाले बोल रहे हैं, आपने बोला मनोनिग्रह के द्वारा तत्व साक्षात्कार हो जाए तो श्रवण मन क्या करेगा, प्रागुक्त उपाय मतलब आपने जो है विचार मन निरोध कर दो, चित्तवृत्ति को निरोध कर दो, चित्तवृत्ति को निरोध से तत्व योग दर्शन में भी नहीं बना, वो अतः पर पुरुष ख्याति, पुरुष ख्याति जब तक नहीं तब प्रकृति पुरुष विवेक ख्याति से ही अपना मुक्ति है, चित्तवृत्ति कितना भी निरोध हो जाए पर प्रकृति पुरुष का विवेक ख्याति नहीं हुआ तो मुक्त नहीं होंगे, योग दर्शन में नहीं माना उसको, इसी तरह बोलते हैं प्रागुक्ता उपाया, देखो जो पहले उपाय कहा गया अपरिखेद आत्मे का मतलब बिना किसी मतलब परिखेद का कि हाय नहीं हो रहा है कब होगा, बिल्कुल अर्धावश्य के साथ पूर्ण उत्सव के साथ, ये उद्दम उत्सव अर्धावश्य, ये आपका परम मित्र है साधन में, परम मित्र उद्दम उत्सव अर्धावश्य, तो प्रागुक्त उपायात एव क्या बोलते हैं मनोनिग्रह परिग्रह, मनोनिग्रह परिग्रह मतलब कि तत्व ज्ञान फल का सिद्ध, तत्व ज्ञान फल का भी सिद्ध है, उसके लिए यदि कुछ मनोनिग्रह से हो जाता है श्रवणादि विधि अनर्थक, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन ये विधि तो नहीं अनर्थक हो गया, क्योंकि मनमान इस प्रकार सोचने वाले व्यक्ति शंका करके संत मनमान अब भाषण किमिति किम परिखिन्न किम अपरिखिन्न, किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रम एवं मनोनिग्रह उपाय, ठीक है ना, मनोनिग्रह को उपाय केवल मात्र क्या परिखिन्नता मतलब हमारे अंदर खेद ना हो और अध्यवसाय रहे इतना मात्र से मन निग्रह हो जाएगा, तब तो जो व्यापार करते हैं ना, व्यापार करने वाले को देखो उसका क्लांति नहीं है, रात को 12 बजे भी मान लो दुकान बंद करके आया अचानक दिन उसको याद आ गया क्या मान लो आज का क्या सामने ठीक से लो, वो रात को उठ के फिर जाएगा दुकान, ये उसका राजसिक धृति है, धर्म अर्थ काम के लिए जो बुरा राजसिक धृति है ये बुरी बात नहीं है, परंतु इतना मात्र से ज्ञान तो नहीं होता, आपका अध्यावश्य है और आपका क्या परिखिन्न कार्य किन जाओ रहे हैं, तो इतने दिन नहीं क्या मालूम क्या होगा आपको याद रहता है, तो इसलिए बोलता है कि अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रा में वह मतलब खेत रहित निश्चय के साथ अध्यावश्य के साथ इतना मात्र से क्या मन निग्रह का उपाय है, इससे हो जाएगा, तो उत्तर क्या ना ही उच्च प्रश्न चिन्ह मतलब आप मन ही मन ही मन लगा लेना कि अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रा में वह मन निग्रह उपाय नहीं नहीं वो नहीं है, उसके कुछ और भी चाहिए, क्या चाहिए, अपरिखिन्न व्यवसायवान सन है ना, खेद रहित और उद्गम उद्गम अध्यावसाय साथ होते हुए
बक्षमानेन उपायेन आगे कहे जाने वाले उपाय के द्वारा काम भोग विषयेषु विक्षिप्त मन, काम मतलब अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति को लेकर के चिंता, भोग मतलब वस्तु प्राप्त होने के बाद उसके साथ जो हमारा रमन, ये जो है काम भोग विषयेषु, इस विषय में विक्षिप्त मन, इसमें जो मन की विक्षिप्तता, उस मन को निघृणिया है ना, उस प्रकार के मन को निग्रह करना है, मतलब निरुंधा, कहाँ निरुंध करें मन को, उनको आत्मनि अपने में है ना, मन की अस्तित्व वृत्ति से ही ऊपर निर्भर करते हैं। तो विषयात्मक वृत्ति छोड़ करके आत्मात्मक वृत्ति, ब्रह्मात्मक वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, मैं असंग हूँ, व्यापक हूँ, मैं पूर्ण हूँ, सक्षम में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त है, तो क्यों उसके लिए चिंता, और आत्मा के लिए कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और शरीर अपना प्रारब्ध से जीता ही रहेगा, शरीर अपना प्रदर्शन जब तक उसका जीता ही जाएगा, उसके नाम से भगवान करने से कर रहा है, तो फर्क इसके लिए किसके लिए चिंता है। इस प्रकार से निश्चय करके, इसलिए हमें बोलते हैं कि मन निघृणिया निरुद्धा, कहाँ निरुद्ध करे मन को, आत्मनिर्भर है, अपने स्वरूप मिला गया उसको। किंच यदि आप विक्षिप्त मन को रोक दिया, मन उछल खेल रहा था, एक बच्चा को आकर माता जी ने बोला है तू पढ़ने बैठ, अभी तो खेल रहा था बच्चा, वो पुत्र पुस्तक लेकर तो बैठेगा, अब तो क्या होगा, सो जाएगा थोड़ी देर में, फिर देखो सो देख, बच्चा खेल रहा था मैदान में, अब मम्मी ने उठा लाया उसको, ए अभी खेलने का समय नहीं, अब पढ़ो, तो पढ़ा दिया, अब बैठा दिया पुस्तक लेकर, थोड़ी देर पढ़ेगा फिर बाद में, मन की भी ऐसी स्थिति है, मन है वो निर्दिष्ट हो जाता है। किंच लीयते अस्मिन् इति सुषुप्त, उसमें क्या होता है कि सुषुप्त अवस्था में जागृत स्वप्न लय प्राप्त करते हैं, जागृत स्वप्न कहाँ लय प्राप्त करते हैं, सुषुप्त में, इसलिए बोलते हैं किंच लीयते अस्मिन् सुषुप्त लय तस्मिन् लय च, उस समय जो है लय हुआ तो आपको क्या लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, सुप्रसन्न मतलब मन साफ प्रसन्न है वहाँ पे, सुषुप्त में क्या बोलता है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति सम अपीतो भवति, उस सत के साथ एक होकर के सोता है, इसलिए इसका नाम है संप्रसाद, सम्यक् प्रसीदति अस्मिन् इति संप्रसाद। अब श्रुति क्या बोलता है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद स्वेन रूपेण संप्रसाद, उसे उपलब्ध हो इससे भी उपलब्ध है, इसे बोलता है सुख प्रसन्न मतलब आयास वर्जितम अपि, आयास से रहित होते हुए भी इति एकदम निगृणिया, इसको भी निग्रह करो, सोने मत दो उसको है ना, अवश्य जितना उतना सोने दो, सारे सोने मत दो, निग्रणिया इति अनुवर्तन है, यहाँ भी एक निग्रहत पाती है, अनुवर्तन करना चाहिए। तब प्रश्न होता है आप जब मन को आनंद मिल रहा है सुप्रसन्नम से अस्मात् निग्रहत, यदि वो सुप्रसन्न है मन को अच्छा लगे सुप्रसन्न से कस्तम निग्रहत, उसको फिर निग्रह क्यों किया जाता है, यदि ऐसा प्रश्न करते हैं उच्च से सुनो, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मन को निग्रह कर रहे थे वो अभी मार्ग में ही है, आप अभी तक लक्ष्य में नहीं पहुंचा, कई जगह पर हम लोग गलती कर जाते हैं कि मार्ग को ही लक्ष्य मान लेते हैं, ऐसा लग जाता है, शास्त्र ने कहा कि निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्ध करके आत्मचिंतन में मन को लगाना है, परंतु लक्ष्य मार्ग ही लक्ष्य, निष्काम कर्म ही लक्ष्य होगा, उस वाला नहीं होता, बड़ी समस्या होता है, पर ऐसे भी होता है सब देखा है, मार्ग ही लक्ष्य हो गया, जिस मार्ग में चल के जाने के लिए बोल रहे हैं शास्त्रों, हम मार्ग को लक्ष्य बना लें, क्योंकि मार्ग की सुंदरता देख कर मार्ग में रहने की इच्छा करता है, छात्रों को संग बताया इसमें कि न देशांतर पंडित मेधावी गांधरण उपसंपत्ति न देशांतर दृढ़, मतलब पंडित जो है गुरु बापों को ठीक से समझता है और मेधावी का जो उसको पालन करता है, इस प्रकार के व्यक्ति गंधार देश में पहुंच जाता है, परंतु अन्य देश को देखने की इच्छा रखने वाला, मार्ग की सुंदरता को देखने की इच्छा रखने वाला गंधार देश में नहीं पहुंच पाता, गंधार देश में नहीं पहुंच पाता, तो ये शास्त्र बाप है, उपनिषद बाप है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ये तुम अभी मार्ग में हो, मन को थोड़ा आनंद मिल रहा है, मन शांत होकर के बैठा है, आश्वस्त तो अब लक्ष्य में पहुंच गया, नहीं नहीं अभी तक लक्ष्य में नहीं पहुंचा, लक्ष्य में नजदीक पहुंच गया, मन थोड़ा शांत हो रहा है, पर लक्ष्य उच्चते जस्मा यथा काम अनंत हेतु तथा दैवी, जैसा भूख उपासना हमारे यहाँ है मतलब समाधि आत्मतत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, इसी प्रकार मन गय हो जाना भी तत्व साक्षात्कार में प्रतिबंधक,
तस्मात यथा कामो अनर्थ है, जिस प्रकार वासना वो अनर्थ के लिए हेतु बनते हैं, तथा लय अपनी अनर्थ हेतु, अभी मतलब इसका होते मतलब वासना के साथ ये भी है लय के लिए हेतु होता है। इसीलिए अतः काम विषय से मनस निक्रवत, इस प्रकार जब मन जब काम को विषय बना करके उसका चिंतन करते हैं, इस प्रकार मन का निग्रह के समान काम विषय से मनस भोग को वस्तु के विषय बना करके चिंतन करने वाले मन का निग्रह के समान निग्रवत लयादपि निरोधव्यम, लय से भी मन को निरोध करना चाहिए, लय से भी लयादपि निरोधव्यम मन, है ना, लय से भी मन को निरोध करना चाहिए, क्योंकि लय हो जाएगी वेदांतिक सबसे बड़ा यही सुविधा है। विचार करते करते मन शुद्ध भी होता है, विचार करते करते मन में बुद्धि के मंत्र से जागरूकता भी आता है, और जैसे जागरूकता मतलब सबर समनस कथा के साथ आगे चौथी वहाँ पे क्या बोलते हैं, जत छेद वाम मनसी प्रार्थना तद जत छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महते निरक्षित तद जत छेद शांतमात्मनि, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, ये जो है इंद्रियों को मन में, मन को प्राण में, अच्छा प्राण प्राण से क्या है बुद्धि, और व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि के बाद देखो जब तक यहाँ पे तो कथन करते समय क्या बोला था कि इंद्रिय प्रहिता अर्थ्य परम मन मनुष्य परा बुद्धि बुद्धि रखना महान पर वहाँ तो परम अव्यक्त अव्यक्त पुरुष पर पुरुष रखना परा बुद्धि वहाँ एक अव्यक्त पद दिया, और जब लय की प्रक्रिया को लिखा रहता है अव्यक्त को स्किप कर गया, क्यों इस क्योंकि अव्यक्त मतलब आप यदि उस लय में चले जाओगे अव्यक्त में चले जाओगे सुयुक्त अवस्था में चले जाओगे साधन नहीं होगा, इसको वहाँ पर वहाँ पर रोकना नहीं, आप उपनिषद को विचार करेंगे ना अच्छी तरह से पता लगेगा क्या गोल पता चल जैसे कि क्या, ये कोई अपनी मन की बात नहीं है, कठो उपनिषद में सौमनस्थ के साधन के समय फिर लय की प्रक्रिया को जब दिखा रहे हैं तो इंद्रियों को इंद्रिय के पराही अर्थ अर्थ परम मन इंद्रियों से सूक्ष्म है विषय जो संस्कारों में बैठा हुआ उससे मन मनुष्य परा बुद्धि मन तो कुछ है बुद्धि और बुद्धि आत्मा मन व्यष्टि बुद्धि से मुझे समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि के पूछे अभ्यर्थ, परंतु जब लय की प्रक्रिया में जब जक्ष वाम मनुष्य प्राप्त कर जक्ष ज्ञानमात्मा ज्ञानमात्मा महत्व नहीं आज तब जक्ष शांतमात्मा महत्व मतलब समष्टि मुद्दे के बाद सीधा सीधा आत्मा मिला अव्यक्त मन लाने का कोशिश मत इस अवस्था तब क्या हो जाएगा साधन नहीं होता विचार दृष्टि नहीं जगह है, इसीलिए वहाँ विश्वति अपने आप बोलती है समष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि के मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब अव्यक्त प्रकृति, उसके बाद आपका शुद्ध चेतन, ये अव्यक्त प्रकृति में जाने का कोशिश मत करो, सीधा बुद्धि को आप निधि निर्विशेष में नहीं अव्यक्त प्रकृति में जाने का कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा लय अवस्था में आ जाएगा निद्र अवस्था में आ जाएगा, है ना, इसलिए आप ये बोलते हैं कि शिशु शुभ प्रसन्न चेत कस्मा निगृहत उच्यते तस्मात जथा काम अनर्थ हेतु तथा लय और पिछले काम जैसे अनर्थ के लिए हेतु होते हैं उस प्रकार लय भी अनर्थ के लिए, अतः काम विषय से मनुष्य निग्रहवे काम के विषय जो मन है उस मन को जैसे निग्रह करना चाहिए लयादपि निरोधव्यम लय से भी मन को निरोध करना चाहिए, अब देखिए टीका में क्या बोलते हैं पूर्वोक्त उपायवत श्रवणादि अनुतिष्ठत मन निग्रह द्वारा तत्व ज्ञान सिद्धि इति उत्तर आह न होता क्या होता है, देखो आपको मैं किसी शरीर में किसी शरीर को रहते रहते भगवत तत्व को प्राप्त करूँ ऐसा दृढ़ निश्चय चाहिए और उसके लिए प्रयास चाहिए, परंतु क्या प्रयास करोगे आप, आपको प्रयास करने के लिए मन को दृढ़ बना लिया परंतु प्रयास क्या करोगे वो तो चाहिए आपको, वो होगा श्रवण बनाने जिससे वो अनर्थक नहीं है, वो अनर्थक नहीं है, हाँ एक फायदा मैं सोचा कि एक बार शून्य से हो जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है, वहाँ पे आप निश्चय चाहिए कि जितना जब तक नहीं होगा तब तक मैं श्रवण मनन में लगा रहा हूँ, इसलिए बोलते हैं वो निरर्थक है। पूर्वोक्त उपाय मतलब ऊपर कहे गए जो उपाय को उस उपाय को अपनाने वाले व्यक्ति का उपाय वाला व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि आप अध्याय वर्षक वहाँ का जो गुप्त उपाय उससे निग्रह कर पर अपरिखेदा तब है ना, तो वहाँ पे अपरिखिन्नता के सहित जो आप संकल्प शक्ति उसके द्वारा क्या करना चाहिए उपाय वाला हो गया आपका श्रवणादि अनुपिष्ट तो आप इस समय श्रवण करते समय मन में नहीं आना चाहिए इतना दिन से श्रवण कर रहा कुछ भी नहीं हो रहा है और अथवा इससे ही हो जाएगा, कभी कभी भ्रांति दर्शन योग दर्शन को प्रतिष्ठित मन में प्रतिबंधक है, भ्रांति दर्शन लगेगा कि हो गया समझ गया
परंतु परोक्ष ज्ञानी अपरक्ष अनुभूति नहीं हुई। जब तक अपरक्ष अनुभूति नहीं हुई तब तक जिसमें लगा रहना चाहिए। उपपूर्वक तो उपाय मत श्रवणादि अनुतिष्ठत मनोनिग्रह द्वारा श्रवणादि अनुष्ठान के माध्यम से दोनों षष्ठी एक वचन है। पूर्वक तो उपाय मत श्रवणादि अनुतिष्ठत इस प्रकार व्यक्ति का मनोनिग्रह द्वारा मन की निग्रह के माध्यम से तत्व ज्ञान सिद्धि तक तत्व ज्ञान की अभिव्यक्त होता है। इसी उत्तर तत्व ज्ञान सिद्ध होता है। इसको मन में रखते उत्तर देते हैं न इति उच्यते। नहीं नहीं केवल मत मनोनिग्रह से काम बनने वाला नहीं है, विचार पूर्वक तत्व समझ में आता कि नहीं आता है ये समझते। देखिए पहले हमारे यहाँ पे क्या सिद्धांत है, सिद्धांत ही है यदि विचार पूर्वक तत्व समझ में आ जाएगा तो मन निग्रह हो ही जाएगा। हाँ मन निग्रह हो जाएगा। अब वो विचार आप नहीं कर पाए ठीक है मन निग्रह से चलो। यदि विचार पूर्वक तत्व निश्चय हो जाएगा कि जगत सारा मिलता है तो मन किसके लेकर चिंता कर मन निग्रह हो जाएगा। अब वो नीचे अंकित को जन्मांतर संस्कार इतना है ना कि वो सत्य ज्यादाधिक वस्तु में सत्य करके बुद्धि मेरा बुद्धि लगा हुआ नहीं हो पाता है। तब क्या ठीक है प्राणायाम आदि के द्वारा मन निग्रह करो। तो जब मन निग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा डिस्टर्बन मन निधि दर्शन आपको मदद करेगा। जो मन मिलते मदद करेंगे बोलते हैं कि तत्व ज्ञान सिद्धि उत्तर मनवा यदि हो सके। अब इसका तृतीय पाद है। तृतीय पाद क्या है वहाँ पे सुख प्रसन्न लय चेत है ना किंच लय तस्मिन लय चुख प्रसन्न माया सुवर्जित अभी निग्रहिया। जब वहाँ पे सुख प्रसन्न अवस्था में रहता है लय हो जाता है मन तो उसको से भी निग्रह करना चाहिए। उससे भी क्योंकि सोते हुए साधन नहीं होगा जागृत अवस्था में साधन होता है। इसलिए इस ग्रंथ के शुरू में भगवान राष्ट्र का बोल कर गया है जागृत को सुषुप्ति मानो। जागृत में बैठ करके सुषुप्ति अवस्था में सो गया तब तो कुछ नहीं है कुछ साधन ही नहीं होगा। जागृत में सुषुप्ति अवस्था मतलब मन जगा रहेगा पर हर जगह से संबंध करना छोड़ देगा। ये हो गया जागृत स्वप्न। क्या हो जाएगा मन जगा रहेगा हर जगह से संबंध करना छोड़ देगा अधिष्ठान के साथ ऊपर भाष्य में पंक्ति देखिए किंच लीयते अस्मिन् जो उसको आगे दो शब्द के क्या लय प्राप्त करते हैं स्थान द्वयम् उस शब्द में लय प्राप्त होती है शेष वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। शेष मतलब इसके जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा। अब चतुर्थ पादम आकांक्षा द्वारा विनोदी चतुर्थ पाद क्या है वहाँ पे यथा कामो लय तथा ये चतुर्थ पाद है ठीक है ना। तो वहाँ पे शंका उठाया कि यदि सुप्रसन्न मन है फिर उसको लय करने का क्या आवश्यकता है। बोलता है जैसा विक्षिप्त मन भी आपका मतलब तत्व साक्षात्कार में विरोधी है इसी प्रकार लय में क्या हुआ मन भी तत्व साक्षात्कार में विरोधी है। इसीलिए बोलते यहाँ पे कि सुप्रसन्न चेत कस्मा निध उच्चते जस्मा यथा काम अनर्थ हेतु तथा लय अपनी अनर्थ हेतु ठीक है ना। इसलिए आप चतुर्थ माधव आकर्षक रखिए। अब जो उपाय के द्वारा निग्रह करना चाहिए उपाय क्या है क्या उपाय करते हैं। अब देखो उपाय में भी विचार हो रहा है। उपाय हमारे पास यही है वेदांत ठीक है। तत्व साक्षात्कार को लेकर के जो है आत्मा क्या है अनात्मा के विचार वो नहीं कर पाते परंतु अपने जीवन के अनुभव को लेकर के विचार करें। अपने जीवन के अनुभव को लेकर के विचार करें फिर भी लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। अपने जीवन में आज तक जो भी चीज़ आपने आनंद प्राप्ति के हेतु अपनाया था वो आपको उसमें से कोई भी एक वस्तु जब ये आपको आपके अविष्ट आनंद को दिया होता तो दूसरा वस्तु के पीछे क्यों दौड़ा दूसरा तो क्यों दौड़ा। ये आपको ये उपाय बता रहे देखो कौन सा उपाय है उसके लिए उपाय बोला ना आपने उपाय न निघ्न याद उतना उपाय के द्वारा मन को निरोध करना चाहिए। तो क्या उपाय है वो क्या उपाय है वो उपाय न निधियोगतम उसके बोलते कौन सा उपाय उसके लिए उपाय क्या है उच्चते सुनो क्या बोलते हैं तमेव उपाय वैराग्य रूपम परिषद। देखिए वैराग्य और मुमुक्षुत्व बिना तत्व तो साक्षात्कार होना संभव यही दोनों उपाय है यही दोनों उपाय वैराग्य बोध पुरुषस्व पक्ष है ना शुभ पक्षिण
ज्ञान ही विचक्षणतम, वैराग्य और बोध, यही तो जो है ना पुरुष का दो विंग्स है, जैसे चिड़िया की उड़ने के लिए दो विंग्स होते हैं, विचार वैराग्य और बोध, ये तो ना वैराग्य बोध पुरुष सुपक्ष पक्षी नहीं विचक्षण स्थान बिजानी, तो विचक्षण बोध की वस्तु इसको जान लो। क्यों? विमुक्ति शोधाक्र, विमुक्ति शोधाक्र तल अधिरोहण, यदि आप मुक्ति के अनेक शोध है, अनेक मंजिल वाला मकान है मुक्ति, अभी सबसे ऊपर वाले मंजिल में चढ़ना चाहते हो, क्योंकि मुक्ति के कितने लोग को मुक्ति मानते हैं, सर्व को मुक्ति मानते हैं, ब्रह्म लोग को मुक्ति मानते हैं, वैकुंठ लोग को मुक्ति मानते हैं, और सबसे ऊपर वाले लोग हैं आत्मलोक। यदि इस आत्मलोक में आप चढ़ना चाहते हो तब आपको वैराग्य और बोध की पंखुड़ी की तरह उड़ के वहाँ पर चढ़ना पड़ेगा, इससे ये विवेचना है ना, ये उसके लिए यही है वही विमुक्ति सौधा प्रतला धरो, इसके बिना अन्य तरह इनमें से, इनमें से दोनों में से कोई एक हो अथवा भिन्न में हो नहीं सकता, दोनों में से अब एक से भी नहीं होगा काम, दोनों चाहिए वैराग्य और बोध है ना, और अन्य उपाय भी नहीं है कि मुक्ति के सबसे ऊपर वाला मंदिर में चढ़ने के लिए, बाकी स्वर्ग जाना चाहते हो उसके लिए अलग उपाय है, इसलिए हमने विषय नहीं सजा विमुक्ति सौधा प्रतल अधिरोहण है उसको ऊपर चढ़ने के लिए, इसलिए उपाय बता रहे हैं। उच्चते श्लोक दुःखं सर्वमनुस्मृत्य, दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगाद्निवर्तये, कामभोगाद्निवर्तये अजं सर्वमनुस्मृत्य, अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति, जातं नैव तु पश्यति दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगाद्निवर्तये, अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति दुःखं सर्वम् अनुस्मृत्य है ना। देखो योग दर्शन क्या बोलते हैं, दुःखम एव सर्वम् विवेकिनः, ये बार बार अनुस्मृत्य, बार 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 जीवन के एक एक अनुभव को स्मरण करो, जो भी चीज आपने आनंद प्राप्ति के लिए अपनाया था जीवन में वो अपने लिए दुख नहीं हुआ कि नहीं हुआ, दुःखम सर्वम् अनुस्मृत्य संसार के हर वस्तु के दुख से गुठा हुआ है, परिणाम अतः संस्कार दुख दुख मेरे सर्वे है, इस विषय में प्राप्ति से पहले विषय प्राप्ति काल में, विषय की भूख काल में, विषय की विच्छिन्न से विषय प्राप्ति के प्रयास में दुख ही दुख है, और दूसरी बात क्या, जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उस लक्ष्य से दूर हटा देता है, इसलिए दुख मेरे सर्वम विवेकी, इसलिए बोलते हैं दुखम सर्वम, जो भी संसार में वस्तु है सारा दुखदायी ही है, थोड़ी देर के लिए सुख प्रतीति होने पर भी पारमार्थिक वो सुख है नहीं वहाँ भी, और भगवान श्री कृष्ण बोलते विषय इंद्रिय संयोग जब अग्रे अमृत अमृत परिणाम विषम ही तथाश है ना, विषय इंद्रिय संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है और परिणाम दुखदायी होता है वो तो तामसिक तादृशिक वस्तु है, इसलिए यही संस्पर्श जब होगा दुख हो जाना ये बात अत्यंत मन तो कौनते हो नते सुन नते बुधा, एक बार नहीं कई बार बुधा, यही संस्पर्श जब होगा विषय इंद्रिय संस्पर्श उत्पन्न होता है जब वो दुख हो जाना ये बते, निश्चित दुख के लिए कारण बनता है, दुख के लिए जो नहीं है कारण है ना, यही संस्पर्श जब होगा दुख अत्यंत मन तो कौनते हो आदि अंत वाला है नते सुन नते बुधा, ये जो है इसी को जब कम सारे मनुष्य देखिए, चाहे भगवद गीता हो चाहे उपनिषद हो चाहे लोक दर्शन हो, साधक के लिए एक ही मार्गदर्शन सभी महापुरुषों ने दिया, विषय भोग से मन उठाना ही पड़ता है, नहीं तो तत्व साक्षात्कार नहीं हो सकता। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है वो तो सब दुख से गुथा हुआ है, दुख से गुथा हुआ है, इसीलिए काम भोगात निवर्तये, भोग वस्तु की चिंता, भोग वस्तु की प्राप्ति की इच्छा, उसको भोग की इच्छा, इससे बिल्कुल मन को उठा देना चाहिए, बिल्कुल मन को उठा देना चाहिए, शरीर द्वारा निमित्त जो भगवान आपके देते हैं उतने संतुष्ट नहीं करते, बस आगे और कुछ प्राप्ति की इच्छा ही मन में ना, दुखम सर्व मनुष्य काम भोगात निवर गए, ये पहला हो गया। और दूसरी बात क्या है, संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है शास्त्र बोलते हैं कि अरे कोई उत्पत्ति पारमार्थिक होना संभव ही नहीं है, ये हमारी मनोकल्पना है, क्योंकि मैं तो मन को जब रोक देता हूँ समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, मूर्छा अवस्था में, फिर जब हम कहना स्थिर कर देंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता,
तो इस प्रकार अजब सर्वम अनुस्मृत, यहाँ पे द्वितीय के शब्द समय वस्तु दिखाई दे रहा है, वास्तविक बात है, इसको बार 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 देखिए। पहला आत्मसत्व अनुबोध नहीं कर पाए आत्मान को बोध करने के लिए, उसी ने हम वेदांत ये नहीं बोले कि आपने साधन को छोड़कर दूसरा साधन प्राप्त करें, उसी साधन पे दूसरा प्रक्रिया अनुबोध है। आप क्या है उसका वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि वैराग्य की कमी है उसी तत्व साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, वैराग्य और मुमुक्षुत्व ये दोनों सबसे तीव्र चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अजम सर्व मनुष्य सारा जो भी कुछ संसार में वस्तु दिखाई दे रहे हैं अनुस्मित तो बार 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 उसको उसी को स्मरण करें। जातम नहीं तो पश्यति संसार का कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प उत्पन्न हुआ ही नहीं, मरुभूमि में दिखाई दे रहा है जल उत्पन्न हुआ ही नहीं, वहाँ पर इस निश्चय हो जाने का फिर यही उपाय है, यही उपाय है। पहले बोला था क्या हुआ और जितना वस्तु मन प्राप्त करने की इच्छा करता है वहां पे वो वस्तु है ही नहीं, कोई प्रतीति मात्र है, शुद्ध आत्मा एक मात्र है। इस प्रकार विचार करने से कहते हैं अलग सर्व अनुस्मित जातम नहीं तो पश्यति, कुछ वस्तु पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार से निश्चय हो जाता है तो उस वस्तु से अपने आप ही मन हट जाता है, उस वस्तु मन अपने आप ही हट जाता है, ठीक है ना। दुखम सर्व अनुस्मृत, टिप्पणी तो लंबा है, ठीक है। सर्वम द्वैत जातम अविद्या प्रत्युपस्थापितम दुखम इति अनुस्मृत, जितना भी द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ये अविद्या इसको हमारे सामने खड़ा कर दिया, माया लाकर खड़ा कर दिया, ये द्वैत यहाँ पे है नहीं। दुखम एवं इसे दुखता इति अनुस्मृत, बार 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 इस पर विचार करके यो भाई भूमा तत् सुखम नान्य सुखम अस्ति, विद्या पता है इसलिए पूर्णता में सुख है, परिच्छिन्नता में सुख नहीं है, भेद परिच्छिन्न दिखाता है इसमें सुख नहीं है, सुख बोलते हैं यहाँ, इसलिए बोलते हैं नान्य सुखम अस्ति। अर्थात जब अल्पम तद मर्तम तद दुखम, जब अल्पम तद मर्तम तद दुखम इत्यादि श्रुति अर्थम। इस प्रकार ये हमारे सनत कुमार के उपदेश है, नारद ऋषि के प्रति, सामान्य व्यक्ति के प्रति नहीं, 64 कला विद्या की ज्ञाता जिस नारद ऋषि उनके प्रति सनत कुमार ये बोलते हैं कि सारा परिच्छिन्न विद्या दुखदायी होता है, सारा परिच्छिन्न इसलिए इत्यादि श्रुति अर्थ हम इस प्रकार श्रुति के विषय को आचार्य उपदेशम अनुपर्यालोच्य है ना, गुरुमुख से श्रुति बात को सुन करके और उसको बार बार विचार करके कामान अतचिंतमान अवस्थापन्यान, ये हो गया कामान, और भोगान भुज्यमान अवस्थापन्यान स विषयान निवर्तय, उन विषय को मन से हटा दे, विषयान निवर्तय मन से हटा दे, मन से विषय को हटा दे, दो है मन और विषय, मन से विषय को हटा दे मतलब चित्त भूमि में जन्मांतर विषय के संस्कार, और विषय से मन को हटा दे बाहरी विषय यदि करना तो उससे मन को बल कर, कल करेंगे इसमें थोड़ा सूक्ष्म विचार है। ओम आज कौन सा है सेकंड प्रज्ञा वैशाख मेघ शुभित जलनिधे वेदनाम अंतरस्थम भूतान्यालोक्यमग्नान्यभिरत जनन ग्राम घोरे समुद्रे Oh.
शांति शांति शांति।